कल का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है और खास करके संथालपना के लिए। झारखंड प्रदेश भाजपा के सभी बड़े कार्यकर्ता लगातार संथालपना के दौरे पे हैं, बाबूलाल मांडी हो, दीपक प्रकाश हो या अर्जुन मुंडा हो। अर्जुन मुंडा भी आज दुमका पहुँचे हैं और सभी बड़े नेता यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और सबका एक ही मकसद है, अधिक से अधिक संख्या में लोग देवघर पहुँचे और प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमारे साथ सांसद हैं दुमका के, क्या है कल का कार्यक्रम आप लोगों का? कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जो है बाबाधाम आने वाले हैं, देवघर आने वाले हैं और यहाँ संथाल परगना के लिए ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का भी सौगात देने वाले और यहाँ पर पार्टी की ओर से तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है झारखंड प्रदेश के, सारे लोग यहाँ पर कैंप किया हुआ है और सारी व्यवस्था हो गई है और यहाँ से जाने के लिए बस की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, ये सारे चीज़ें हो गई है और मुझे लगता है कि ये रैली जो है ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम सभी लोगों से भी अपील करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाए और ससमय पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। जिस तरह से आप भी दुमका में डोर टू डोर जाके निमंत्रण दिए थे, बाबूलाल जी भी दिए हैं, क्या उम्मीद करते हैं कितना भीड़ होगा? जिस तरह से हम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों के बीच आमंत्रण दिया, लोगों में बहुत ही उत्साह, लोगों में जो है बहुत उत्साह है और ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में लोग जो है यहाँ से कुछ करेंगे और निश्चित रूप से कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक होगा। निसंदेह लोगों में उत्साह है। हम आपको दिखा रहे हैं दुमका सर्किट हाउस का नज़ारा है और पिछले हफ्ता भर से यहाँ पे हर दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, राजनीतिक दलों का जो है खास करके भाजपाइयों का एक तरह से नेता यहाँ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी का जो कल कार्यक्रम होना है उसको तैयारी को लेकर के लगे हुए हैं। ये दुमका सर्किट हाउस का है, आप देख सकते हैं जो भी लोग हैं वो कल के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के हैं। अर्जुन मुंडा भी आए हैं और ऐतिहासिक इसलिए बोला जा रहा है कि अब दुमका के संथाल परगना के लोग डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली या दूर दराज के फ्लाइट पर रहेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री जी भी हैं। कल का क्या तैयारी है आप? दुमका विधानसभा में कल का जो तैयारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में जाने के लिए, करीबन पूरे विधानसभा में 60 से 65 बसें जा रही है और 40 लगभग छोटी गाड़ियां हैं और टाउन के लोगों को हम लोग टाउन या टाउन आसपास के लोगों को मैक्सिमम ट्रेन के लिए आग्रह किए हैं, जो स्पेशल 11 बजे जो स्पेशल ट्रेन खुल रही है उस ट्रेन से हमारे शहर और शहर के आसपास के लोग जाएंगे। तो दुमका विधानसभा से करीबन 5000 का संख्या जा रहा है और हम लोगों के लिए, संथाल परगना के लिए, दुमका वासियों के लिए निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल भी है, क्योंकि जो जिन चीज़ों का कल उद्घाटन और शिलान्यास होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, वो यहाँ हवाई अड्डा है, तो हवाई अड्डा के माध्यम से एक होता है ना, हर तरह का समस्या का समाधान वो होने वाला है, तो हर वर्ग के लोगों को इससे लाभ होने वाला है। तो निश्चित रूप से संथाल परगना के लिए ये गर्व का क्षण होगा। जैसे प्रदेश भाजपा हो लगातार यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं और आप लोग भी डोर टू डोर गए हैं, बाबूलाल जी जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी डोर टू डोर गए हैं, अभी कार्यकर्ता गए हैं, क्या अनुमान है कि पूरे संथाल परगना से कितने लोग पहुँचेंगे इसका? देखिए, पूरे संथाल परगना से सभी कार्यकर्ता लगे हैं और प्रदेश के सभी नेता लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय बाबूलाल जी भी पर्ची बांटे हैं सभी विधानसभा में, साहेबगंज, पाकुड़, महेशपुर, दुमका, शिकारीपड़ा, जामा, इस तरह का एक एक विधानसभा में बैठक किए हैं। एक तरफ, दूसरे तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठक किए हैं, हर लोगों को आह्वान किए हैं। माननीय पूर्व सीएम रघुवर दास जी भी अभी देवघर कैंप किए हुए हैं, अभी भी उनका फोटो आया हुआ है, पर्ची उर्ची शहर में बांट रहे हैं। तो जिस स्तर से निशिकांत जी लगातार लगे हुए हैं पिछले एक महीना से, तो इतना मेहनत बेकार नहीं जाएगा।
जितना तैयारी हुआ है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर जो है मानव श्रृंखला वहाँ लग रहा है। और आज तक का कार्यक्रम का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जहाँ तक हम सुने हैं सबसे बड़ा यह रोड शो वाला जो कार्यक्रम होना है, यह सबसे लंबा होगा। और जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ कितना कैपेसिटी है ये तो एक्यूरेट हम नहीं बता सकते, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है उससे बेहतर ही कार्यक्रम होगा अभी तक जो हुआ है, और उससे बेहतर ही कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर एक लोग जाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में आ रहे हैं, एक ज्योतिर्लिंग सर्किट के रूप में जहां ये हवाई मार्ग से जुड़ेगा, वहीं इसका उद्घाटन भी होगा। ज्योतिर्लिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा करेंगे और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार ये कोशिश रहा है और इस बात पर बल देते रहे हैं कि भारत की जो एक आदि संस्कृति और ऐसे स्थानों का महत्व है, वैसे स्थानों को विशेष तौर से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसे जोड़ते हुए जो संभावनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर्यटन का या लोगों की जो आस्था है, वो आस्था के दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र के रूप में सभी स्थानों को विकसित किया जाए। निसंदेह कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है और सभी लोग देवघर जाने की तैयारी में हैं। आप जो सर्किट हाउस में लोग बैठे हैं ये भी वहीं जाने की तैयारी में हैं, और जो कल का कार्यक्रम होगा, हम आपको बता दें दुमका से स्पेशल ट्रेन जाएगी इस कार्यक्रम के लिए, और 13 किलोमीटर का मानव श्रृंखला है। पूर्व मंत्री लुईस मांडी बता रही थी। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।